ग्रेड करिकुलम एंड डेवलपमेंट 8603। तो अब करिकुलम डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में हुआ, इसकी एजुकेशन जो पॉलिसीज़ और डेवलपमेंटल जो ट्रेंड आए वो देखेंगे हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में। तो कंटेंट में सबसे पहले है कि जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी एजुकेशन पे वो 1947 में हुई थी, फिर दूसरी जो थी वो 1959 को हुई थी, तीसरी फिर जो है 1970 को हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर एजुकेशन पॉलिसी जो 1972 है, और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1979 है। अब सबसे पहले जो 1947 में थी ये कराची में हुई थी, क्योंकि उस वक्त जो था ना वो कैपिटल कराची था जब नया पाकिस्तान बना था। तो नवंबर 27 टू दिसंबर 1 ये तकरीबन जो है ना 4 दिन चली 1947 को, और इसमें जो है ना फर्स्ट ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी, और इसमें जो है ना कन्वेंट किया गया कि 1947 को सुपरविजन ऑफ कायदे आज़म ने इसको जो है ना कायदे आज़म ने सुपरवाइज़ किया, निगरानी इसके कायदे आज़म में हुई, कायदे आज़म की निगरानी में ये हुई। और एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी इसने जो है ना इसके जो प्रेसिडेंट्स थे इसको इसको जो है ना सदारत इसकी की है एजुकेशन मिनिस्टर जो उस वक्त पहले बनाए गए फजलुर रहमान। तो यानी इसकी जो निगरानी थी वो कायदे आज़म ने की, और जो एजुकेशन चेयरमैन थे फजलुर रहमान उन्होंने इसकी सदारत की। अब फजलुर रहमान ने जो है ना उन्होंने कहा जी कि वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे कंट्री के जिन्होंने डायमेंशन ऑफ एजुकेशन प्रपोज़ किया। अब डायमेंशन ऑफ एजुकेशन में क्या था, तीन चीज़ें थी कि एजुकेशन जो है ना वो स्पिरिचुअल होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, वोकेशनल होनी चाहिए। स्पिरिचुअल यानी रूहानी होनी चाहिए जिसमें जो है ना मज़हब से टच हो, मज़हब की चीज़ें पढ़ाई जाएँ। फिर सोशल जो है ना सोसाइटी के लिहाज से, माशरे के लिहाज से, और वोकेशनल जो आगे रोज़गार में काम दे। अब कॉन्फ्रेंस जो है ना वो फॉर्मड ए नंबर ऑफ कमेटीज़, तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी कमेटीज़ बनाएगी जिसमें है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी है, फिर साइंटिफिक रिसर्च कमेटी अलग बनाएगी, अडल्ट एजुकेशन की कमेटी अलग बनाएगी, टेक्निकल एजुकेशन की कमेटी, फिर हायर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की कमेटी, फिर कल्चर रिलेशन कमेटी और वीमेन एजुकेशन कमेटीज़, तो ये सारी कमेटीज़ बनाएंगी। अब द रिपोर्ट ऑफ कमेटीज़ वाज शेड इन नवंबर 1947, तो जो रिपोर्ट कमेटीज़ ने दी वो नवंबर 1947 को दी। अब दूसरा जो था नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959, इसको जो है ना जनरल मोहम्मद अयूब खान ने जनवरी 5 1959 को जो है पेश किया, तो एड्रेस किया था इनने, सदारत की थी इसकी, और वो प्रेसिडेंट भी थे उस वक्त। इन दिस कमीशन कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ 10 ईयर्स वॉज मेड, तो इसमें जो है ना जो 10 ये मैट्रिक तक यानी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी गई। रिलीजियस एजुकेशन भी कंपलसरी, साथ में रिलीजियस एजुकेशन को भी कंपलसरी कर दिया कि साथ में जो है ना वो रिलीजियस की एजुकेशन भी होनी चाहिए। इक्वल जो है ना एक्सपेंशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एजुकेशन, तो लड़की और जो लड़के के कंसेप्ट था उसके लिए इक्वली एजुकेशन पे जोर दिया गया। फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये आया कि बच्चों का राइट है कि वो फ्री और जो है ना ज़रूरी उनके लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और एजुकेशन वो हर हाल में हासिल करें। फिर पर्पज़ ऑफ कंपलसरी एजुकेशन इज़ टू डिप्राइव द कॉमन पीपल ऑफ देयर कॉमन सेंस, तो इस एजुकेशन का जो पर्पज़ था वो ये था कि जो लोग कॉमन लोग जो है ना वो जो इससे महरूम हो गए उनको उन तक एजुकेशन पहुँचनी चाहिए, हर बंदे तक यानी एजुकेशन होनी चाहिए। फिर ने इसमें रिकमेंडेशन की गई जी कि करेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो है ना लोगों को करेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करे। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की गई, फोकस किया गया साइंस और टेक्निकल एजुकेशन पे, कि साइंस जो है ना जदीद जो हो रही है, रिसर्च हो रही है, इसकी जो है ना मॉडर्न वर्ल्ड की एजुकेशन के साथ लाया जाए, ऐसी एजुकेशन हो। नेशनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो नेशनल लैंग्वेज को जो है ना उर्दू को यूनि प्रमोट किया गया, उर्दू में जो है ना होना चाहिए मोस्टली, उर्दू बंगाली इस वक्त की जबान, तो ये नेशनल लैंग्वेज को तरजीह दी गई। 3 ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम मुतारफ़ कराए गए, और एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी इस ये कहा गया जी के जो है जो नाख्वानगी है जो जो जालियत है तालीम जो लोग नहीं हासिल कर सकते हमने ये ख़त्म करना है, ठीक है, सबको तालीम सब तक पहुँचाना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो यूनिवर्सिटी के लिए जो है ना एक कमीशन बनाया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। फिर एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल 25% एंड एक्सटर्नल 75% एवेलुएशन, तो एवेलुएशन के लिए जो है ना एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया गया जिसमें जो है ना इंटरनली जो है ना अंदर से 25% और एक्सटर्नली 75% जो है ना बाहर से होगी एवेलुएट जो लोग करेंगे, ठीक है। तो रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन 3 स्टेज, तो फिर रिलीजियस एजुकेशन भी जो है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी जिसमें 3 स्टेजेस हैं,
कंपलसरी एट मिडिल्स लेवल, तो मिडिल्स लेवल तक जो है ना वो कंपलसरी है, फिर सेकेंडरी लेवल पर ऑप्शन हो जाएगी, और रिसर्च एट यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च होगी रिलीजियस एजुकेशन में, कि मिडिल लेवल पे इस्लामियात और इस तरह की जो है बेसिक चीज़ें ज़रूर होंगी। फिर सेकेंडरी लेवल पे जो है ना 9th 10th में ऑप्शन हो जाएगा कि कुछ लोग जर्नल, कुछ लोग इस तरह साइंस, फिर रिसर्च होगी यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या था, तो नेशनल एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेशंस वर यूजफुल बट ड्यू टू कंडीशंस ऑफ कंट्री एंड द सिचुएशन ऑफ रिसोर्सेज दे आर नॉट अप्लाइड वेल। तो पहले मैंने बताया था कि हमारे कंट्री में जो है ना ये मसले बढ़े रहे हैं कि जी नहीं है बजट, नहीं है फिर टीचर इतने नहीं हैं जी, स्टाफ नहीं है, इस तरह की सिचुएशन बना के हमेशा जो है ना पॉलिसियाँ तो बनी हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो नॉट इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई 1970 को, तो इसको जो है ना ये रिवाइज किया गया, प्रपोजल वार रिव्यूड बाय द कमेटी ऑफ द कैबिनेट इन द लाइट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ द अनाउंसमेंट बाय द प्रेजिडेंट एंड इन हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन नवंबर 28, 1969। तो नवंबर 28, 1969 को प्रेजिडेंट साहब ने जो दिया था एड्रेस किया एक, फिर उसमें जो है ना इस कमेटी को जो प्रोग्राम था उसको रिव्यू किया गया, जो प्रपोजल था, और फिर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना फाइनली अडॉप्ट कर ली गई है मार्च 26, 1970 को। इसमें क्या था, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ फॉलोइंग सेलियंट फीचर्स, तो इसके कुछ जो है ना ये सेलियंट फीचर्स थे। इम्फेसाइज ऑन आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन यानी जो है ना वो इन्होंने जोर दिया जी के जो के आइडिया होता है उस पर के ओके एम्फसाइज किया इन्हें आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के जो नज़रियाती किस्म की एजुकेशन है उस पर। फिर इन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो है ना एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी की जदीद एजुकेशन जो दी देने की कोशिश की, कहा गया कि जदीद एजुकेशन हम देंगे। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। फिर इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी यानी हम जो है ना शराह खानगी, यानी हम पढ़ हर जो है ना पढ़ा लिखा माशरा बनाएंगे, जो अनपढ़ सिस्टम है उसको ख़त्म करेंगे, अनपढ़ जो है ना जाहिलियत को ख़त्म करेंगे, नाखवानगी को ख़त्म करेंगे। फिर उनने फॉर्मेशन की नेशनल एजुकेशन यूनिट्स की, तो अब इसके भी इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना वो देखें डेंजर का निशान पहले ही लगा हुआ है कि ये दिस पॉलिसी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द वॉर विद इंडिया, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड द कोलैप्स ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट। तो ये सब हुआ जी कि आप मिलिट्री क्योंकि थी उस वक्त, फिर उसके बाद 1971 में जब बंगाल अलग हो गया तो फिर इलेक्शन हुए थे, तो फिर भट्टो साहब जीत के थे तो उस वजह से मिलिट्री चली गई, तो वो पॉलिसी भी फिर वहीं के वहीं रह गई। इंडिया ने जो है ना वो कहते हैं कि इंडिया के साथ वॉर हुई 1971 की, तो वो एक रीज़न बना दिया गया। फिर 1972 में जुल्फ़िकार भट्टो साहब ने अनाउंस की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके साइलेंट फीचर ये थे पॉलिसी के प्रमोशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी मुताला पाकिस्तान को उन्हें पहले कहा जी कि मुताला पाकिस्तान जो जो है ना पढ़ाया जाए, इसको बारे में लोगों को गाइड किया जाए, इसकी प्री पार्टीशन और इस तरह की हिस्ट्री। फिर यूनिवर्सल एजुकेशन, एजुकेशन यानी सब के लिए हो, इक्वलिटी इन एजुकेशन, मेल फीमेल गर्ल बॉय का कोई कंसेप्ट नहीं, सब के लिए इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, पर्सनैलिटी ऐसा हो कि वो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट हो, एजुकेशन ऐसी हो कि जो हेल्प करे बच्चों को उनमें पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट हो। करिकुलम बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, तो सोशो इकोनॉमिक जो सोशल और इकोनॉमिक नीड है माशरे की उसके मुताबिक करिकुलम हो, निसाब उसके मुताबिक हो, यानी उसमें सोशल टच हो गया, हमारा कल्चर कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसा है, फिर हमें इकोनॉमिक में क्या करना चाहिए, क्या जो है ना इकॉनमी की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन होनी चाहिए, साइंस टेक्निक और साइंस जो है ना वो तकरीबन हर पॉलिसी में कहा गया, क्योंकि मॉडर्न दुनिया में जो है ना हम लड़ रहे थे वॉर्स, तो वो जो है ना साइंस और टेक्निकल काम जो है ना वो सिखा रहे थे। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इन एजुकेशन अफेयर्स, तो ये जो साइकिल है कि जो है ना टीचर और पेरेंट्स अटैच हों, स्टूडेंट एक साइकिल पूरा हो ताकि अच्छी एजुकेशन जो है ना वो दी पार्टिसिपेट करें सब। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें जो है नेशनलाइजेशन होनी चाहिए, उनमें कौमियत कौमें बननी चाहिए, उनमें कौमी जो है ना उसको फोकियत दी जाए। फिर कॉम के इंटरेस्ट को फिर अनाउंसड किया गया फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन अप टू क्लास एक्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, तो क्लास 10 तक जो है ना वो फ्री एजुकेशन और सबको एक जैसी यूनिवर्सल एजुकेशन मिलनी चाहिए 9th और 10th तक लड़की और लड़के को। फिर फर्स्ट फेज जो था वो 1972 को हुआ, जिसमें ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, जिसमें पहले फेज में कहा गया जी कि तमाम प्राइवेट और सरकारी जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं
वो सारे फ्री एजुकेशन देंगे क्लास 8 तक। फिर सेकंड फेज़ में 1974 को फ्री एजुकेशन एक्सटेंडेड अप टू क्लास 10। तो क्लास 10 तक आ गया कि सबको फ्री एजुकेशन दी जाए। अब इम्प्लीमेंटेशन, तो इसके कुछ ड्रॉबैक हुए। तो इम्प्लीमेंटेशन दिस पॉलिसी वाज़ अ गुड अप्रोच टूवर्ड्स बेटरमेंट, तो ये बेहतरी के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी थी, बट हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी अचीव थ्रोली, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अचीव नहीं हो सकी। यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन जैसे थी ये पॉसिबल नहीं था। शिफ्ट टूवर्ड्स एग्रो टेक्निकल स्टडीज़, तो ये भी इतना जल्दी ये टेक्निकल साइंस की तरफ शिफ्ट होना भी आसान नहीं था। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1979 में। इसके साइलेंट फीचर जो थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये अनाउंस की गई थी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इन अक्टूबर। तो इसमें जो था वो ड्राफ्ट वर्क प्लान फॉर ऑफ द पॉलिसी वाज प्रेजेंटेड टू द कैबिनेट, कैबिनेट को दिसंबर 1978 को दिया गया, और पॉलिसी अनाउंस हुई फरवरी 1979 में। अब इस एजुकेशन पॉलिसी में यह था कि कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फॉर रिवाइविंग द एजुकेशन सिस्टम एंड 12 फॉलोइंग एम्स। तो कॉन्फ्रेंस में जो है ना वो कुछ जो है ना रिवाइव किया एजुकेशन सिस्टम को, और कुछ फॉलोइंग एम उनके थे फॉस्टरिंग लॉयल्टी टू इस्लाम। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि इस्लामिक तर्ज जो होनी चाहिए एजुकेशन, ताकि लोगों में जो है ना इस्लाम के रिलेटेड जो है इस्लाम के साथ लॉयल्टी पैदा हो, लोग जो है ना इस्लाम को समझें। कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा, क्रिएशन ऑफ कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट के हमें मुसलमानों को बनाया के गया है इबादत का, इस तरह जो है ना इस्लाम को बड़ा टच किया गया इसमें। फिर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो प्रमोट किया गया कि जी साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को जो है ना ये आर पॉलिसी में प्रमोट किया गया। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज लड़की और लड़के के दोनों को जो है ना, जेंडर का कोई कंसेप्ट नहीं है, सेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, कि सब के लिए जो है ना इक्वल एजुकेशन हो। फिर फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वाज सजेस्टेड टू अचीव द गोल, कुछ स्ट्रेटजीज भी दी गई कि इस तरह ये हम गोल अचीव। करिकुलम रिवीजन, के करिकुलम देखा जाए कैसा है, निसाब को चेंज किया गया, जिस तरह की पॉलिसी बनी है उसी तरह का निसाब होना चाहिए। मर्जिंग मदरसा एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन, तो मदरसा और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उनको इकट्ठा किया जाए। उर्दू को, फिर उर्दू अब जो है ना वो कौमी ज़बान बन गई थी, तो उर्दू को आप मीडियम करार दिया गया कि उर्दू में सब कुछ पढ़ाया जाए समझाया जाए। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन लिटरेसी प्रोग्राम, तो कम्युनिटी जो है ना यानी पेरेंट्स और सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें, लिंक्ड करें साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को, ना लिंक किया। सेपरेट सेटअप फॉर मेल एंड फीमेल, तो मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग स्कूल, अलग अलग यानी कैंपस होने चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन इसकी, दिस पॉलिसी वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड फेल ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सोर्स, तो फाइनेंशियल सोर्स का तो हमेशा हमारा जो है ना वो रहा ही है, लैक रहा ही है, तो ये जो है ना उसकी वजह से नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी। अब एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इन एशिया रीजन में, क्या एजुकेशन और डेवलपमेंट हुई है, तो एशियन रीजन लार्ज है, डाइवर्स है। एशिया जो है ना समझ लेंगे दुनिया का तकरीबन जो है ना, आप देखें 1.5 अरब जो है वो चाइना में है, 1.5 अरब इंडिया में है, 25 करोड़ तक पाकिस्तान में है। तो इस तरह जो है ना एशिया एक हब है समझें, इतनी जहाँ पे जो है ना वो आबादी है, पॉपुलेशन है, तो थाउजेंड्स ऑफ कमेटीज़ एंड डजन ऑफ कंट्रीज इन द रीजन, तो इस रीजन में बहुत से दर्जनों कंट्रीज़ हैं और बहुत से जो है ना मिलियंस इंडिविजुअल हैं। मैनी कंट्रीज़ इंडिकेटेड दैट द मोस्ट प्रेसिंग एरियाज़ ऑफ फॉर एक्शन आर, तो बहुत से जो है ना मुल्क देखते हैं कि जी एशिया में क्या चल रहा है क्या कुछ, क्योंकि आबादी दुनिया की जो है ना आधी इधर है, तो फिर फोकस तो होगा। सपोर्ट फॉर द मोरल करिकुलम इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एंड वैल्यूज एजुकेशन, तो जो एशिया में मोस्टली एजुकेशन वैसे यूरोप को ही देख के डेवलप हुई है या अमेरिका को, कि वहाँ पे वो साइंस टेक्नोलॉजी में मोस्टली काम ही उन्होंने किया है। पहले थे कुछ मुस्लिम जिन्होंने किया है, उसके बाद अब उन्होंने किया है, तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल की और वैल्यूज़ एजुकेशन उन्हीं की देखी जाती है, इंटरनेशनल ने तो उन्हीं की देखी जाती है। फिर जो है ना मोरल मोरल में कुछ जो है ना मोरालिटी होनी चाहिए, एथिक्स। प्रमोशन ऑफ ग्रेटर अटेंशन टू द असेंशियल रोल ऑफ टीचर एज एजेंट फॉर एजुकेशन प्रोग्रेस एंड सोशल चेंज, तो इन्होंने टीचरों पे बड़ा जोर दिया कि जो इन्हें टीचर का बड़ा अहम रोल रहा है, कि टीचर को यूज़ किया एज एजेंट के वो जो है वो सोशल चेंज लाएं और एजुकेशन में प्रोग्रेस लाएं। इन्हांसमेंट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन में जोर दिया गया कि कम्युनिटी जो है ना वो पेरेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करें। ऑनरशिप ऑफ स्कूल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, थे जो ऑनरशिप है स्कूल की और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उन पे भी जो है ना वो कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करे। इन चीज़ों के जो है ना पार्टिसिपेशन से ही एजुकेशन होगी अच्छी। फिर डेवलपमेंट की गई इफेक्टिव एजुकेशन स्ट्रेटजी एंड स्कीम फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एशिया रीजन में आबादी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स कम है और रिसोर्स को कुछ को यूज़ भी नहीं किया जाता,
इस वजह से इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि जी लोगों को इस वोकेशन एजुकेशन पे बड़े जोर दिया गया ताकि रोज़गार के लिए लोग काबिल हो सकें, इम्प्रूवमेंट की गई एजुकेशन क्वालिटी और लर्निंग अचीवमेंट वाइल एट द सेम टाइम एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। तो एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की जो है ना वो पॉलिसियाँ बनाई गई ताकि लर्निंग अचीवमेंट हासिल हो सके और एक्सपेंशन भी किया गया कि हर कोई जो है ना वो एजुकेशन तक पहुँच सके। फिर एजुकेशन एंड प्रोडक्टिव अप्रोच स्किल डेवलपमेंट इन एशिया रीजन के, एशिया के रीजन में जो है ना वो एजुकेशन और प्रोडक्टिव अप्रोच स्किल कैसे जो है ना वो आई। तो फॉलोइंग जनरलाइजेशन शोज सम कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्किल एजुकेशन बाय द पार्टिसिपेटिंग कंट्री। तो स्किल एजुकेशन एज पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम इज नॉट मीन टू बी ए प्योरली मैनुअल वर्क। तो ये कोई मैनुअल वर्क नहीं था। दे शुड इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द वर्ड ऑफ वर्क ऑफ वर्क एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इसमें यह भी था कि जो है ना डिग्निटी ऑफ लेबर यानी जो लोग मजदूर करते हैं उनको भी इज्जत मिले जो मजदूरी करते हैं। फिर जो है ना इस तरह की स्किल्स एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट एरियाज। तो स्किल जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो इस दूसरी तरफ की जो दूसरी तरह की स्किल्स हैं जैसे सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल्स होती हैं। स्किल एजुकेशन प्रोग्राम ऑन द बेसिक नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो स्किल जो एजुकेशन प्रोग्राम था वो ये था कि जो है ना जो बेसिक नीड्स हैं इंडिविजुअल की यानी उनके जो फॉर एग्जांपल रोज़गार कैसे कमाना है इस तरह की और जो सोसाइटी में वो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में वो कैसे अडाप्ट करेंगे तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये बनाई गई स्किल। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स हम कहते हैं तो प्रॉब्लम ये था कि कंडक्ट की जाए रिसर्च और डेवलप की जाए एक्टिविटीज़ और मॉडल डेवलप मॉडल किए जाए जो एफिशिएंट और इफेक्टिव स्किल एजुकेशन प्रोग्राम एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। तो रिसर्च होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में ताकि जो है ना एक्टिविटीज़ हों ऐसी जो एफिशिएंट और इफेक्टिव स्किल जो है ना एजुकेशन प्रोग्राम में डेवलप करने में हेल्प करें और उसको जो है ना एक जुज़वी पार्ट बना दें। अलर्ट किया गया गवर्नमेंट को थ्रू इंटर एजेंसी एक्टिविटीज़ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। तो स्किल एजुकेशन के लिए जो है ना गवर्नमेंट को बताया गया कि स्किल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। फिर एनालिसिस एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ करंट प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। तो अब कंपैरेटिव स्टडी में जो है ना मौजूदा दौर में करंट प्रोजेक्ट जो प्लान चल रहे हैं वो कोरिया और इंडिया में, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, मोरंग, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलिपीन, सिंगापुर, इस तरह में जो है ना इनमें एनालिसिस हो रहा है एजुकेशन के करंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं। फिर एजुकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट टू अप्रोचेज आर बीइंग फॉलोड इन रिलेटिंग स्कूल करिकुलम टू एजुकेशन इन रूरल डेवलपमेंट। तो अब रूरल डेवलपमेंट में जो एजुकेशन है वो द एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर नीटली एंड थारोली इंटीग्रेटेड इन टू स्कूल करिकुलम इन सच ए वे दैट एजुकेशन इन रूरल डिवेलपमेंट बिकम द स्कूल करिकुलम। तो अब रूरल जो डिवेलपमेंट है उसके लिए जो है ज़रूरी है कि रूरल डिवेलपमेंट के मुताबिक एजुकेशन हो। तो उनके स्कूल में जो है ना जो उनके रूरल स्कूलों में होगी एजुकेशन वो जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी जो है ना वो रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। तो ऐसी एजुकेशन हो कि वो वहाँ के जो लोग हैं वो शहर के लोगों तक जो है वो अप्रोच करें, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको जो है ना फिर स्कूल जो उनका करिकुलम है उसको ऐसे जो है ना डिज़ाइन किया जाए कि वो स्कूल करिकुलम बन जाए उनके रूरल डेवलपमेंट। फिर यूजुअल एकेडमिक जो करिकुलम है वो रिटेन किया जाए और एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट आर असाइंड टू एक्स्ट्रा करिकुलर अफेयर्स। तो उनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लें और उनकी एजुकेशन जो है ना डेवलप हो, उन वहाँ टीचर स्टाफ अच्छा हो। एक्टिविटीज़ इन द अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन आर बींग इंटरवाइंड इन द करिकुलर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर जोर दिया गया ताकि एजुकेशन के रिलेटेड अलावा भी जो है ना वो काम आए। फिर पीपल इन्वॉल्व वेरियस एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन। तो उनके मुताबिक जो एजुकेशन है रूरल के मुताबिक है वहाँ पर तो मोस्टली लोग एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, हेल्थ का वहाँ प्रॉब्लम होता है, फिर सोसाइटी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं, फैमिली प्लानिंग वर्कर्स होते हैं। तो इस तरह के जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के करीब उनको डिवेल्प किया जाए ताकि उनके जो बेसिक सेहत का मसला है, जो फैमिली प्लानिंग है और हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो सब सॉल्व किए जाएँ। और एग्रीकल्चर में जैसे ना कम जगह में ज़्यादा फसल कैसे लगानी है, अच्छे बीज, इस तरह जो है ना वो फसल की केयर कैसे करनी है, इस तरह की एजुकेशन उन्हें दी जाए। फिर दोज इंक्लूडिंग फार्मर्स एंड स्किल्स क्राफ्ट कंसर्न पर्टिकुलरली विद द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल यूथ। तो जो फार्मर वगैरह हैं या स्किल जो क्राफ्ट्स मैन हैं उनका जो पर्टिकुलरली कंसर्न है वो एजुकेशन के साथ, उनको आउट ऑफ स्कूल जो है ना भी गाइड किया जाए जो यूथ है उसको। फिर अगर स्कूल में जो आ रहे हैं उनको ऐसा ट्रेन किया जाए कि जो लोग स्कूल से बाहर हैं, जो लोग घर में काम करते हैं, जो लोग जो है ना वो स्किल करते हैं, जो लोग देहात में काम करते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए।
फिर वर्कर्स जो है ना वो एंगेज की जाए ऑल लेवल्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर। तो रिलीजियस लीडर जो है या जो भी वर्कर्स हैं उनको चाहिए कि वो अडल्ट एजुकेशन पे भी जोर दें, यानी बालगुत ये जो एजुकेशन है, जो हाइजीन प्रॉब्लम है, इस तरह की जो चीज़ें भी उनमें दी जाएँ। फिर पर्सनल वर्किंग इन द फॉर्मल स्कूल, तो फॉर्मल स्कूल में जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो काम करें। थैंक यू।